चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये बबल। ओ कंगलो, ओए गरीबों, नबील लगता है तुम्हें कोई आवाजें दे रहा। ओ मैं मूसा, वो कह रहा है गरीबो और कंगलो भी कहे, आपका तखल्लुस तो नहीं है कंगलो? आ, पता नहीं नबील, हो सकता है घर वालों ने रख दिया, मुझे याद नहीं है। अरे कंगलो कंगलो, बात तो सुनो मेरी गरीबो, बात सुनो मेरी। अरे मैं मूसा, अरे पहचाना है मैं मूसा, ये तो पहचाना है इसको आपने? तेरी खैर हो जी, तू फकीर है? फकीर तू? पेट चेक करो, नान तो नहीं ढके हुए तूने? अबे कंगलो, तुम अभी तक पहियों पहियों घूम रहे हो, ये देखो भाई ने कितनी बड़ी गाड़ी खरीद ली है। अरे फकीर, तू और गाड़ी में? ओ मैं मूसा, हमसे अच्छा तो ये निकला, मेरा ख्याल है इसको फकीर समझ कर ना भीख देते होंगे लोग। ओ भाई, भीख मांगना तो कब का छोड़ दिया। अब फिर तू क्या गैर मुल्की इमदाद मांगता है? ओए, तुम लोगों की सोच ही छोटी है वैसे। ओ भाई महमूद साहब की सोच छोटी है, लेकिन माशाल्लाह मुंह देख कितना बड़ा है। नबील, मुझे लगता है ये फकीर गाड़ी जो है ना कहीं से चोरी करके लाया है। गाड़ी के साइड मिरर उतार कर तू गाड़ी वापस खड़ी करेगा, शीशे चोर कहीं का? अरे मुझे तो लगता है ये ईंटों पे गाड़ी खड़ी करके ना चारों टायर भी उतार के बेचता होगा। ओए एक्सक्यूज मी, ये मेरी अपनी जाती गाड़ी है, 1000 गज का बंगला है और घर वालों के लिए अलग गाड़ी। 1000 गज? ओ भाई तेरे लिए तो 6 फुट की कब्र भी बहुत है यार। अबे मेरे सारे घर वाले बंगले में रहते हैं। हाँ। अरे फकीर के बच्चे, तू करता क्या है? क्रिकेट मैच पे बैट लगाता हूँ। क्रिकेट मैच में बैट से चौके छक्के लगाता होगा उत्तर कोने? ओ जाहिलो, बैट मतलब शर्त, बड़ा पैसा इस काम में, 1 मैच में लाखों रुपए कमा लेता हूँ मैं। हाँ। लाखों रुपए? हाँ जी। अच्छा यार मैं चलता हूँ, अब बात सुनो, कभी अगर बैट लगाने का मूड होना तो कॉल कर लेना, ये मेरा कार्ड है। महमूद साहब, वो इसका विजिटिंग कार्ड भी बन गया यार। यार नबील, काश हम फकीर होते तो आप कौन सा प्रिंस है? आप अपनी शक्ल देखे और अपनी ये देखे, जूते देखे, कपड़े देखे और चले यार। हंसता बोलो यार, सब सुन रहे हैं। देख ऐसा मोतियों वाला पजामा मुझे भी चाहिए। आज हमें ना फकीर मिला। कि किन फकीरों से आपका मिलना जुलना हो गया नासर? महमूद। हाँ, आपका मिलना जुलना भी किस नासर से हो गया है महमूद? ओ माँ जी, फकीर मोहम्मद उसका नाम है, बड़ा ही गरीब आदमी होता था, अल्लाह माफ फरमाए। हाँ तो गरीबों को तो सारे ही लूट रहे, तुमने उस गरीब को लूट के कौन सा बड़ा काम किया है? गुमो, उसके पास ना 40 लाख रुपए की गाड़ी थी। हाँ 30 की थी, उसने गुस्से में आगे 40 की ली थी। हाँ माँ जी, करोड़पति हो गया है, 10 रुपए की चीज 20 में खरीदता है। तो अपनी मेहनत से कमाए होंगे ना, जॉब करता होगा, आप लोगों की तरह घर पे बैठ के रोटियां तो नहीं तोड़ता होगा? अरे मैं रोटियां सिर्फ तोड़ता नहीं हूँ, तोड़ के खाता भी हूँ। हाँ वो भी जिन्नों की तरह, कसम से रोटियां पका पका के मेरी बात थक गई है, पर खा खा के इसका मुंह नहीं थकता। इतने बड़े मुंह के लिए रोटियां बनाना कोई आसान बात तो नहीं है। वैसे जानू ना, वो जॉब करता है ना मेहनत, सारी दौलत उसने घर बैठे कमाई है। हाँ तो उसके हाथ नोट बनाने वाली मशीन लग गई है ना, सारे दिन बैठी बैठी नोट छाप ही जाता होगा। माँ जी, इस दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं होता, जो लोग मेहनत करते हैं ना वो ही पैसा कमाते हैं। अरे लेकिन वो तो घर बैठ के सिर्फ क्रिकेट मैच देखता है। हाँ और उस पे शर्तें लगाता है। हाँ घर बैठे एक दिन में लाखों रुपया बनाता है। जानू अगर तुम मुझे 50,000 रुपया दे दो तो मैं ये काम आज ही शुरू करूँ। मेरे पास इस काम के लिए 50,000 तो क्या 500 रुपए भी नहीं है। जानू ये ना करो मेरे साथ, जानू जानू। ओ पुत्र टेंशन ना ले, मेरे पास ना थोड़े बहुत पैसे जमा हो गए है। माँ जी कितने पैसे? मामा उन पैसों पे मेरा हक है। मेरे पास जो पैसे है उस पे सिर्फ मेरे पुत्र का हक है। पुत्र मेरे पास पूरे 150 रुपये जमा हो गए जो मैं सिर्फ तुझे दूंगी। माँ जी ये जो 150 रुपए आपने जमा कर लिया ना, किसी यतीम गरीब आदमी को दे दीजिएगा, ताकि ये भी 10-15 रुपए लगा ले मैच पर। He tested against spin. Where has this gone? It's gone in the crowd. अरे वाह, ये होती है क्या शॉट है, क्या शॉट है यार। महमूद साहब ये मैच लाइव आ रहा है। जाहिर है नबील,
यार नवीन, मेरा बैटिंग करने का बड़ा सख्त दिल कर रहा है। मैं हूँ साहब, तीन चीजें आप जिंदगी में नहीं कर सकते। वो क्या? बैटिंग, डाइटिंग और डेटिंग। अरे बैटिंग नहीं, बैट, बैट। बैट का मतलब है शर्त लगाना। यार नबील, फकीर को फोन करके पता तो कर कि बैट लगाते कैसे हैं। हाँ, उसका नंबर तो मैंने फीड कर लिया था, अभी मिलाता हूँ उसे। इतनी देर ना मैं प्रैक्टिस करता हूँ कि अगली बॉल पे क्या बनेगा। देख लेना, अगली बॉल पे सिंगल बनेगा। अरे देख, मेरी बॉल पे वाकई सिंगल बना है नबील। अरे वाह महमूद साहब, आपको तो बाबा होना चाहिए था। बे वली बा, बे ली बा, बाबा। मिल गया फोन। हेलो फकीर। यार सुन फकीर, आज मेरा और महमूद साहब का दिल कर रहा था कि हम बैट लगाएं। ये कैसे करते हैं बताएगा? है अच्छा, आ रहा है, जल्दी आ भाई। ओए वो तू कहाँ से टपके भाई? अरे तू तो जिन के बच्चे की तरह हाजिर हुआ है। वो जिन्नी का तो बच्चा है ये। अबे भाई, ये सब बैटिंग के कमालात हैं, तुम्हें भी सिखा दूंगा। यार फिलहाल जो मैच चल रहा है ना, उसमें बैट लगाना बता। ये देखो, बैट्समैन चारों तरफ देख रहा है, लग रहा है कि बाउंड्री लगाएगा। फिर लगा दूं 2,00,000 रुपए? नवीन, ये महमूद साहब ना तुझे चौड़े में फंसवाएंगे, इनके मशवरे पर कभी अमल नहीं करना। अरे तुमने खुद ही तो कहा है कि बैट्समैन बाउंड्री लगाएगा। अरे नहीं, जब बैट्समैन ऐसा करता है ना तो वो सिंगल लेता है। ये देखो, ले लिया ना सिंगल, इसे कहते हैं बैट्समैन की नसीहत। ओ यार फकीर, तू तो बड़ा माहिर है भाई इस काम का। बस यार, कभी गरूर ही नहीं किया। अरे गरीब आदमी, नाम तेरा फकीर है, गरूर तुझ पे सूट ही नहीं करता। नबील, ये महमूद साहब अगर समंदर में मुंह मारे ना तो 5 किलो का दाना तो आ ही जाएगा इनके मुंह में। मैं मछली खाता ही नहीं हूँ। ओ यार महमूद साहब, खुदा के लिए थोड़ी देर चुप कर जाए यार, काम की बात तो करने दे। हाँ बोल 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 फकीर। भाई सबसे पहले मैं तुम्हें उस आदमी से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जो बैटिंग करवाता है, लेकिन वो हर किसी की कॉल रिसीव नहीं करता। हाँ। तो तू कैसे करेगा कॉल? अरे भाई, मेरी तो कॉल रिसीव कर लेगा। क्यों? उसके बिल तू भरता है? ओ यार महमूद साहब, क्या हो गया आपको यार, आपने पैसे नहीं कमाने चार? यार नबील, मुझे इस फकीर से जलन हो रही है, ये इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे हो गया है? इसको ना सबसे पहले बर्निंग वार्ड में दाखिल करवाओ। यार महमूद साहब, आप चुप नहीं करेंगे यार, एक फाइन भी दूंगा आपको मैं। अच्छा भाई, तू भूखी को फोन लगा यार, लगा। शाबाश शाबाश। आराम से यहाँ बैठी हुई है, बाहर तेरा शोहर गैम्बल गैम्बल हो रहा है। गैम्बल? हाँ, वो फकीर आया हुआ है, वो सबको गैम्बल सिखा रहा है। माँ जी, मेरा शोहर आपका बेटा भी है ना, तो मैं उसे बेटी कहूँ? आप उसे नहीं रोक सकती थी बेटी खिलवाने से? अरे गैम्बलिंग करने से ना। मैंने कभी ये कहा है कि तू उसे रोक? मैं तो मेहमान के लिए चाय बनाने को कह रही हूँ। मैं नहीं बना रही चाय, वो भी एक गैम्बलर के लिए। ओए पैसे का मामला है, होश कर, हाजिर दिमागी की जरूरत है, और हाजिर दिमागी के लिए चाय की जरूरत है। चाय नहीं मिलेगी तो दिमाग नहीं चलना। अब अगली बॉल पे ये छक्का मारेगा, 5,000 लगा दो। अरे इसमें छक्के भी खेल रहे हैं। ओ यार मुझे बताओ छक्के का क्या रेट है? 1 का 10। अब 5,000 लगा दो। Big shot, it's gone flat, it's done the distance. Chakka! अरे तू खुद ही होगा। ओ महमूद साहब, हम लोग 50,000 रुपया जीत चुके हैं यार। यार फकीर, तू तो बड़े कमाल का आदमी है। भाई ये कमाल कौन है? मैं किसी के लिए काम नहीं करता, मैं सिर्फ अपने लिए काम करता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? बॉलर ने विकेट कीपर को इशारा किया, ये स्लो बॉल डालेगा। कॉल कर, कॉल कर, कॉल कर। कितने लगाऊं, कितने लगाऊं? अरे 1 का 10 चल रहा है, 5,000 लगा दो। जल्दी करो, जल्दी करो। भाई अगले बॉल पर ना बंदा बोल्ड होने वाला है। 5,000 लगा रहा हूं मैं। नबील, ये क्या पागलपन है? ओ जानू, पागलपन नहीं है, ये गेम है, गेम। अब तक हम 1,00,000 रुपया जीत चुके हैं। हाँ खूबसूरत, अब तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब तुम ताने नहीं दोगी क्योंकि तुम्हारा मियाँ कमाने लग गया है। अभी तो गेम शुरू हुआ है, अभी तो 1,00,000 रुपए कमाने हैं। जानू जल्दी से ना, तुम एक काम करो, जल्दी से हम सबके लिए ना चाय ले आओ। साथ में बिस्कुट और वो चिप्स भी ले आना। माय फुट 150-250 फुट। तुम लोग 1,00,000 रुपए जीत चुके हो तो मुझे 1 टक्का नहीं दिया अभी तक। ओ माँ जी, अभी तो गेम चल रहा है, जब गेम खत्म होगा ना तो हमारे पास इतने पैसे होंगे कि हम महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएं। भाई सीधी सी बात है, मैं तो दुबई जाके डिनर करता हूँ। फिर हम भी दुबई जाएंगे नबील। चल खूबसूरत, जल्दी से इनके लिए अच्छी सी चाय लेकर आते हैं ना, क्योंकि दुबई जाने में थोड़ा वक्त रह गया अब। चलो चलो चलो। अब क्या करेगा वो? घर घर बता रहा हूँ भाई। हाँ एक बात तो बता
आदमी ना। खूबसूरत माँ जी। ओ तेरी माँ जी तो है ही खूबसूरत। मैं अपने आप को कह रही हूँ जमीना खूबसूरत। और छोड़ ना, ये बता कि दुबई की सबसे खास डिश कौन सी है? मंदी। ओए मंदी कैसी, बाहर हमारे शोहर लाखों करोड़ों जीत रहे हैं। वैसे माँ जी मैं इस हराम की कमाई से दुबई नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं, हम हराम की कमाई से नहीं, जहाज से जाएंगे पुत्र। ओ माँ जी वो बेटिंग कर रहे हैं और आप खुश हो रही हैं। हाय मैं तो इतनी खुश हूँ ना कि मेरा मियाँ भी कमाऊ पूत हो गया है। चलो चाय बनाए, वो पांडा खाए इधर। वाह महमूद साहब वाह, 2,00,000 रुपए अभी तक जीत चुके हैं हम लोग। ए नबील, आधे घंटे में 2,00,000 रुपए। चेज मेरे अजीज। चल यार मैं चलता हूँ, मुझे किसी जरूर काम से जाओ। चल चल बैठ आराम से, पूरा मैच खिला के जा। अरे तेरे लिए हम खाना बनवा लेते हैं ना। हाँ हाँ, क्या खाएगा, शेर का कीमा, चीते के पाए, क्या भाई। मैंने आप लोगों को सिखा दिया है, आप अब खुद खेलें। आप ये सोचें कि आप अगर खुद इस खिलाड़ी की जगह होते तो क्या करते, तो 100% दुरुस्त आंकड़ा बैठेगा। यार ये आंकड़ा क्या होता है नबील? मैं उसे ये बाकड़े का बड़ा भाई होता है, आप जैसी कोई चीज होती है जो हर जगह अटक जाती है यार। अच्छा भाई तू जा, हम लोग खेल लेंगे, हमें आ गया। हाँ मुझे भी काफी प्रैक्टिस हो गई है। जी जी, आपका तुके लग रहे हैं ना। तुक्का, तुक्का। महमूद साहब तुक्को से नहीं, दिमाग से गेम जीतते हैं, दिमाग से। और फिर तो महमूद साहब नहीं जीत सकते भाई। क्यों? ये अपना दिमाग किसी को देकर भूल गए हैं, वो भी जवान का बच्चा, इनको वापस नहीं कर रहा और ये वापस भी नहीं ले रहे। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, वो महमूद साहब के नाकारा दिमाग का कर क्या रहा है? वो ब्रेन मसाला बना के खा रहा होगा। मार लो जितनी चुकते मारनी है मार लो, लेकिन देखना आज मैदान में ही मारूंगा। अच्छा चलो उठे जाए मैदान में, आपने उसको मारना नहीं है। अच्छा यार मैं चलूं, मैंने घर जाके ना बैट लगानी है यार। ओके भाई ओके ओके, थैंक यू फकीर, थैंक यू, तूने हमें अमीर कर दिया। बकवास कर रहा, घर जाके इसने बीवी के काम करने हो। अच्छा जी महमूद साहब। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए जलता जा। दिल को बांध के रस्सी चलता जा रे, चलता जा रे। चिकने चिकने चेहरे भैया। उतर ये दुबई की आखिरी फ्लाइट कब जाती है? माँ जी दुबई के लिए 24 घंटे फ्लाइट जाती हैं। पर टिकट तो बुक कराने होते हैं ना। माँ जी कोई दुबई नहीं जा रहा। पर क्यों नहीं जा रहा, मेरा बेटा और मेरा शौहर इतनी मुश्किलों से पैसे कमा रहे, हम तो जाएंगे। तेरा दिल नहीं चाह रहा तो यहीं बैठी रहे। मैं हराम की कमाई से हरगिज दुबई नहीं जाऊंगी। तू ऐसा करना, ऊँट पे बैठ के निकल जा, कम पैसे लगेंगे। माँ जी ऊँट दुबई नहीं जाता। क्यों, उसको भी वीजे का प्रॉब्लम है? ओह मैं नबील से बात करने जा रही हूँ माँ जी। हैं? यार ये मेरे पुत्र को ऊँट तो नहीं समझ रही है। ओए चार जा। मनवर मनवर मनवर, मैं दुबई जाने के लिए तैयार हो जाऊँ। ये आप लोगों को हुआ क्या है? बंदे के पास जब पैसा आ जाता है ना, वो उसके बोझ से लेट जाता है। क्या हूँ मसूद? महमूद। हाँ महमूद लेट जाता है मसूद। ओ माँ जी इस वक्त महमूद साहब की आवाज नहीं निकलेगी। मुझे मालूम है लोग ज्यादा घुमा रहे हैं, तो हलक तक फंस गए होंगे ना। मेरे हलक में थोड़ा सा पानी डाल दो मामा। ना ना ना, सारे नोट गिले हो जाने। नबील ये क्या तमाशा है, बताओ क्या हुआ है? जानू मैच में हम बैटिंग लगा रहे थे ना, उसमें तकरीबन 4,00,000 रुपए हम लोग हार गए। और कोई नहीं पुत्र, जो 2,00,000 जीते थे ना पहले, उससे जाके हम दुबई में खाना खाएंगे और मंदी खाएंगे मंदी। मामा हमारी जिंदगियों में मंदी आ गई है, वो जीते हुए 2,00,000 रुपए हार गए। समीना जा जरा किचन से बेलन तो लेके आना। क्यों आपने रोटियां पकानी है? मैं रोटियां बनाने के लिए बेलन नहीं मंगा रही, तुम दोनों की कुट लगाने के लिए मंगा रही हूँ। मामा चुप है,
बहुत अच्छा हुआ आप दोनों के साथ। और मैं फकीर नहीं हूँ। वरना तो फिर कौन है तू? मैं रहमदिल हूँ। ओए हम कौन सा सख्त दिल है? ओए मेरा नाम है रहमदिल। हाय हाय तेरे घर वालों को और कोई नाम नहीं मिला जो ये रख दिया? चुप कर वरना गोली मार दूंगा यहीं पे। ओए ओए खबरदार जो गोली चलाई हो, ये मेरा नवा सूट है इसमें सुराख हो जाएगा। मैं गोली चला के मार दूंगा यहीं पे तुझे। ये बता यहाँ खेल कौन रहा था? खेलने वाले तो मरी में रहते। मरी में? हाँ हॉस्टल में रहते ना हमारे बच्चे। ओए मैं बैटिंग की बात कर रहा हूँ, घर में मैच में पैसे कौन लगा रहा था? ओहो वो तो मेरा शौहर और मेरा बड़ा पुत्र लगा रहे थे, लेकिन मनुष चोर लाख रुपये हार गए ने। अबे वही तो लेने आया हूँ मैं, चल अंदर। हाँ तो चल अंदर, मैंने कब मना किया है, मेरा भी अपना भी वक्त जाया कर रहे हैं। चल ये बता के पैसे कैश लेगा के चेक? और चल अंदर। आओ यार। माँ जी ये टांगों वाला तंदूर कहाँ से उठा के ले आएंगे? पुत्र शकील ये रहम दिल है, चार लाख की वसूली के लिए आया, तू इसको जल्दी से दे दे वरना ये बेरहम दिल भी हो सकते हैं। और बैटिंग कौन कर रहा था? पाकिस्तान पहले कर रहा था। अब बकवास बंद कर, पैसे कौन लगा रहा था? ओ भाई ये शख्स ही कर रहा था जिसकी शक्ल नहीं लग रही है आपको, जवारियों जैसी है। अच्छा और वो फोन कॉल कौन कर रहा था? वो तो आप मुझे जबरदस्ती मिलवा रहे थे। ये मेरा सुतेला बाप है, बहुत ही कटिया इंसान है, बड़ा जालिम आदमी है रहम दिल भाई। और तुम इसका जुल्म भूल जाओगे जो मैं तुम दोनों के साथ करने वाला हूँ। फौरन 4 लाख रुपए निकालो, चलो। ओ भाई 4 लाख तो 400 रुपए नहीं है। तो ठीक है फिर 4 गोली तुम खाओ और 4 गोली तुम खाओ। बहन ये गोली पानी से खानी है या दूध से खानी है? आप ऐसा नहीं कर सकते कि हमें माफ कर दे, आप वैसे भी रहम दिल है ना। और मैं सिर्फ नाम का रहम दिल हूँ वरना अंदर से मैं बड़ा पत्थर दिल हूँ। 1 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, कहीं से भी मेरे 4 लाख रुपए ला के दो वरना नबील अब क्या होगा? झगड़ा में मुसा इनसे जरूरत है हमारी खूबसूरत से। आओ माँ जी आप भी आज वो भाई तू ठंडा पिएगा या गर्म? जब तक चाय बन रही है कुछ ठंडा ले। तू ऐसा कर, ये नुक्कड़ पे ठंडे की दुकान है, तू पी कर आ तो मैं जरा अपने पुत्र की बात सुन लूं। अच्छा ओ जानू तुम समझ नहीं रही हो यार, प्लीज 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 4 लाख दे दो वरना वो रहम दिल तुम्हें बेवा करने में बिल्कुल रहम नहीं खाएगा। अगर वो ऐसा करेगा ना तो मैं अल्लाह का शुक्र करूंगी। जानू मुझसे बात भी ना करना तुम, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था गैम्बलिंग करने से। ओ माँ जी आप भी कुछ करें यार। पुत्र मैं तो तुझे बता चुकी हूँ, सारी जिंदगी की जमा पूंजी जमा करूँ ना तो मेरे पास कुल 150-200 रुपए बनते हैं, जो तुझे चाहिए तो तू ले ले। यार मैं मूसा इस मसले का और कोई हल है? एक ही हल है नबील, बाहर चल के उससे गोली खा लेते हैं और कोई हल नहीं है। चले यार मैं मूसा। ओके जानू मैं चला। माँ जी रब रखा। अच्छा पुत्र जा रहे, रब रखा, ऊपर जाके खत लिख दे, फोन कर दे। बाय बाय बाबू। हाँ बाय बाय। क्यों भाई इंतजाम हुआ पैसों का? देख भाई हमारी बात गौर से सुन, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, उठ बे गोली मार। हैं? अरे हाँ, अरे जब हमने गोली खानी ही है तो फिर तेरे जैसे चमड़ूस की बात क्यों सुने। चला चला गोली चला भी गोली। मैं मुसाब इसका मुंह देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है रात पानी में पड़ा रहा है, आपसे भी बड़ा हो गया है। इसने अपने बाप से भी बड़ी मार खाई होगी, मैं लिख के दे देता हूँ। अरे इसके पूरे जिस्म पर ना जलने के दाग होंगे, इसका बाप ना इसे सलाखे गर्म कर करके लगाता होगा। जरा कपड़े तो उतार अपने। ओ महमूद साहब इसका मुंह देखे, मुझे लगता बीवी से भी पिटता है, ये मार खाता है रोज। और बकवास बंद करो और मैं तुम दोनों को ना सिसका सिसका के और तड़पा तड़पा के मारूंगा। और मैं अब कल तक इसी घर में हूँ, समझ में आया? जब तक पैसों का इंतजाम नहीं होगा एक एक करके तुम दोनों के हाथ पैर काटता रहूंगा मैं। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि ये कसाई खानदान से ताल्लुक रखता है। महमूद साहब
ये जो रहम दिल भाई है ना, कुछ संजीदा लग रहे हैं, बाहर चल के कुछ सोच लेते हैं। वो जो हमने बाहर चल के सोचना है वो कुछ है? हाँ जी। अच्छा जी। रहम दिल भाई, आपने पुरानी किसी बात का कोई बुरा नहीं मनाना, हम आ रहे हैं। चले मामू साहब, चले चले चले, चले। हिम्मत कैसे हुई बगैर इजाजत मेरे कमरे में आने की? इजाजत? ओ मालिक हूँ इस घर का, मुझे इजाजत की क्या जरूरत है? मालिक, शक्ल देखिए अपनी आईने में, बस की कंडक्टर लगते हो। और तुम लोग मेरे पूरे 4 लाख रुपए के मकरूज हो, जब तक मेरे पैसे नहीं मिल जाते ना, मैं इस घर के किसी भी हिस्से में आ सकता हूँ। अभी बाहर निकलो, मुझे आराम कर रहे हैं। सुना नहीं शायद? भाई जा रही हूँ। लियाकत में थी पिस्तौल हिफाजत से रखूं। क्यों, पागल हो गई है क्या? ना पिस्तौल देख के तो पागल भी सीधे हो जाते हैं। चलो कमरा खाली करो। क्यों, तूने नवा फर्नीचर डलवाना इधर? ओ मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ ना, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं नवा फर्नीचर डालूं। अरे मैं कह रहा हूँ कि तुम निकलो कमरे से। ना तो मैं अपने कमरे से क्यों निकलूं? हैं? क्योंकि मैं यहाँ का वॉशरूम इस्तेमाल करूँगा। हाँ तो जा, बेशक कर, तुझे मना किया किसी ने? नहीं भाई, असल में मुझे ये कमरा अच्छा लग गया है, आधी रात में उस कमरे में सोऊंगा और आधी रात इस कमरे में सोऊंगा। हाँ तो हम तुझे काट के आधा आधा कर देते हैं, आधा धड़ इस कमरे में तो आधा उस कमरे में। बकवास बंद कर, उठ बैठ से, चल निकल कमरे से। है? अच्छा ठीक है, चल चल। तमीज नहीं सिखाई किसी ने तुझे? चुप निकल। यार महमूद साहब, खुदा का वास्ता यार, मुंह इतना ना खोले, आपका मैदा नजर आ रहा है यार। करो बदतमीजी, नहीं करो इसमें। टीवी लगाओ। टीवी देखना चाह रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग अपने अपने कमरे में चले जाएंगे। और कोई भी अपने कमरे में गया ना, मैंने गोली मार देनी है। टीवी को नहीं, तुम सबको। टीवी लगाए महमूद साहब। हाँ जी। अच्छा हुआ खूबसूरत तुमने मुझे फोन कर दिया, इस बंदे की तलाश तो मुझे बहुत अरसे से थी, अब इसके जरिए मैं इसके पूरे ग्रोह को पकड़ूंगा। थैंक यू बट साहब। अरे शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए। ना तो वो क्यों? क्योंकि सरकार ने इस ग्रोह की गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। 10 लाख? पर सब हमने इस ग्रोह को पकड़ने के लिए कैसा जाल बिछाया देखा आपने? अरे अपनी जान पर खेल कर इस ग्रोह को पकड़वाया है हमने। इनाम की रकम में से 5 लाख हमारा बनता है। जो चाहे तो पूरे 10 लाख भी आप हमें दे सकते हैं बच्चा। और फिक्र ना करो, तुम दोनों को तो मैंने इसके साथ ही गिरफ्तार करना है जुआ खेलने के इल्जाम में, और वैसे भी तुम दोनों तो मेरे चचमदीद गवाह हो। चलो साहब चलो। चल यार चल, सवार चल।